हेलो एवरीवन, दिस इज राजीव फ्रॉम मिनी सिमेक्स। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दैट हाउ टू चेक आर्मस्ट्रांग नंबर इन जावा। सबसे पहले आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है कि किसी भी नंबर के अगर सारे डिजिट का हम क्यूब कर दें और ओरिजिनल नंबर के बराबर आ गया तो उसे आर्मस्ट्रांग नंबर बोलेंगे। जैसे 153, अगर यूजर ने इनपुट दिया 153 तो आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट आना चाहिए दिस इज आर्मस्ट्रांग नंबर, दिस इज आर्मस्ट्रांग नंबर। ऐसा क्यों? क्योंकि 153 में सारे डिजिट का अगर क्यूब तुम करते हो, जैसे 1 का क्यूब कितना होगा 1, प्लस 5 का क्यूब कितना होगा, यानी 5 × 5 × 5, सो 125, और 3 का क्यूब कितना होगा 3 × 3 × 3, 27। अब इसको ऐड करो, ये 153 ही आएगा। तो किसी भी नंबर के सारे डिजिट का क्यूब करके सम करने पे अगर ओरिजिनल नंबर के बराबर आ जाए तो आर्मस्ट्रांग नंबर कहलाता है। तो अगर यूजर ने 153 एंटर किया तो आउटपुट आएगा आर्मस्ट्रांग, दिस इज आर्मस्ट्रांग नंबर। अब मान लो यूजर ने एंटर कर दिया 25 या 24, तो आउटपुट क्या आएगा? दिस इज नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर, दिस इज नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। क्यों? क्योंकि 24 में सारे डिजिट का क्यूब करके सम करो तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, प्लस 4 का क्यूब कितना होगा 4 × 4 × 4, सो 4 × 4 = 16, और 16 × 4 = 64। ऐड करो कितना आएगा 72, जो कि 24 के बराबर नहीं है, तो 24 आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है, राइट? आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर इनपुट ले लेंगे, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं int n, एक वेरिएबल ले लेंगे रैम, रिमाइंडर अभी हम बताऊंगा वेरिएबल का क्या यूज है, वेरिएबल नेम तुम कुछ भी ले सकते हो। एक वेरिएबल ले लेंगे सम, जिसमें जीरो स्टोर कर लेंगे, और एक वेरिएबल ले लेंगे क्यूब, राइट? अब चलो स्टार्ट करता है। सो एक मैसेज दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंटर द नंबर, आप इनपुट ले लेते हैं, एक वेरिएबल हमें एन चाहिए इनपुट लेने के लिए, तो एन। अब यहाँ पे एन असाइन विथ sc.next int, सो ये हमने इनपुट ले लिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, अब हमें क्या करना है, सारे डिजिट का क्यूब करना है। तो जैसे मान लो अगर यूजर ने 153 एंटर किया तो पहले तुम्हें 3 का क्यूब पता करना है, फिर 5 का क्यूब पता करना है, फिर 1 का क्यूब आपस में ऐड करना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे एक लूप चलाएंगे। लूप कितनी बार चलेगा? फॉर int i असाइन विथ i में n स्टोर कर लो, यानी यूजर ने जो नंबर एंटर किया हो n i में स्टोर हो गया, और फिर i ग्रेटर देन 0, मतलब i की वैल्यू जब तक 0 से बड़ी है लूप चलेगा, देन i असाइन विथ i अपॉन 10। सो आप देखो ये लूप उतनी बार चलेगा जितना नंबर में डिजिट है। कैसे? मान लो यूजर ने n में एंटर कर दिया 125, कोई नंबर ले लो तुम, तो n में 125 है, तो कंप्यूटर जब फॉर में आएगा तो i में क्या स्टोर हो जाएगा 125, राइट? फिर i ग्रेटर देन 0, तो i में 125 है, 125 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। फिर कंप्यूटर फॉर के अंदर आएगा, फॉर के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, जो भी स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है? अभी मैं कोई स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट ऐसे। फिर अपडेशन पे जाएगा तो i अपॉन 10 एग्जीक्यूट होगा, i में कितना है 125, तो 125 अपॉन 10। अब मैं जावा का रूल बता चुका हूं कि अगर कोई भी डिवीजन हो रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हैं, तो आंसर भी इंटीजर आएगा। तो 125 अपॉन 10, मैथ्स में 12.5 आना चाहिए बट जावा में 12 आएगा, राइट? तो आई में क्या स्टोर हो गया 12। फिर कंडीशन पे जाएगा तो आई ग्रेटर देन 0, आई में 12 है, यानी 12 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। फिर लूप के अंदर आएगा, दूसरी बार जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा एग्जीक्यूट करेगा, फिर अपडेशन पे जाएगा तो आई में कितना था 12 ना, तो 12 अपॉन 10 कितना हो जाएगा, मैथ्स में 1.2 होना चाहिए बट जावा में पॉइंट वाला पार्ट हट जाएगा, सिर्फ 1 आएगा, तो आई में अब कितना स्टोर हो जाएगा 1, पिछली वैल्यू 12 रिप्लेस हो जाएगी। फिर आई ग्रेटर देन 0, तो आई में 1 है, 1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। फिर फॉर के अंदर आएगा, फिर तीसरी बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर यहाँ पे जाएगा तो आई अपॉन 10, आई में 1 है ना, तो 1 अपॉन 10 कितना होगा, मैथ्स में 0.1 बट जावा में 0.1 हट जाएगा, सिर्फ 0 आएगा, तो आई में 0 आ गया। फिर कंडीशन चेक करेगा तो 0 ग्रेटर देन 0, क्योंकि आई में 0 है, कंडीशन फॉल्स, अब लूप के अंदर नहीं आएगा। तो देखो जो भी हमने लूप के अंदर स्टेटमेंट लिखा था टोटल कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, 3 बार,
जितना नंबर में डिजिट है। अगर मान लो चार डिजिट का नंबर होता, जैसे नंबर होता 2541, तो लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होता? चार बार। दो डिजिट का नंबर होता तो दो बार। अब अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट डिजिट को कॉपी करेंगे। तो कैसे, ऊपर देखो मैंने एक वेरिएबल लिया है ना रैम, तुम चाहो तो आर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो रैम असाइन विथ, हमारा नंबर किस में, आई में, तो आई मॉड 10। किसी भी नंबर में अगर हम 10 से मॉड लेते हैं तो रिमाइंडर हमेशा लास्ट डिजिट आता है। जैसे तुम 19 में मॉड लो 10 से, अगर तुम लिखोगे 19 मॉड 10 तो डिवाइड करके देखो रिमाइंडर 9 आएगा, 19 का लास्ट डिजिट। अगर तुम लिखोगे 24 मॉड 10 तो रिमाइंडर 4 आएगा, 24 का लास्ट, तुम डिवाइड करके देख लो। अगर मान लो तुम लिखते हो 5 मॉड 10, तो यहाँ पे जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, मॉड ले रहे हैं 5 में, 5 10 से छोटा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 5 ही हो जाएगा, 5 मॉड 10 5 ही होगा। मतलब जिसमें मॉड ले रहे हैं अगर वो छोटा है तो वही रिमाइंडर हो जाता है, राइट। अगर मैथ्स थोड़ा सा नॉलेज होगा तो समझ गए होगे मैं जो बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लास्ट डिजिट को कॉपी कर लिया, अब उसका क्यूब। अब देखो ये जो रिमाइंडर आ रहा है ना आई मॉड 10, इसको स्टोर करने के लिए मुझे वेरिएबल चाहिए था, इसलिए मैंने वेरिएबल का नाम रिमाइंडर का शॉर्ट रैम लिया। तुम चाहो तो आर ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उस डिजिट का क्यूब करेंगे तो क्यूब असाइन विथ आर, सॉरी रैम है ना, तो रैम इंटू रैम इंटू रैम, ठीक है। फिर उसका सम, उसको ऐड करना है, तो वेरिएबल ऊपर मैंने सम लिया है ना, तो सम असाइन विथ सम प्लस क्यूब हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, चलो एग्जांपल लेते हैं 25 का। अब जैसे 25 है तो 25 में सारे डिजिट का क्यूब क्या आना चाहिए, 2 का क्यूब, तो 2 × 2 × 2 कितना होगा 8, राइट। तो 8 प्लस फिर 25 है ना 5 का क्यूब, तो 5 × 5 × 5 यानी 125, तो 8 प्लस 125 कितना हो जाएगा 133। तो चलो हम अपना लूप रन करते हैं, देखते हैं सम में फाइनल वैल्यू 133 आती है कि नहीं। तो n में हमने 125 माना है, अब जब फॉर में कंप्यूटर आएगा तो i में कितना स्टोर हो जाएगा 125, फिर सॉरी 25, फिर कंडीशन पे जाएगा i ग्रेटर देन 0, तो i में 25 है, 25 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, फॉर के अंदर आएगा। तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी पहले, रैम असाइन विथ i मॉड 10, तो i मॉड 10 पहले एग्जीक्यूट होगा असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड वाला। तो i में 25 है, 25 मॉड 10 कितना होगा 25 का लास्ट डिजिट 5 रिमाइंडर, तो रैम में कितना आ जाएगा 5। अब इस दूसरे लाइन में क्या होगा, फिर पहले जो असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारा, जिसको मैथ्स में तुम इक्वल टू कहते हो, इसके राइट हैंड साइड वाला पहले एग्जीक्यूट होगा, कई बार बता चुका हूँ ये। तो रैम इंटू रैम इंटू रैम, रैम में कितना है 5, तो 5 × 5 × 5 कितना आ गया 125, तो क्यूब में कितना स्टोर हो जाएगा 125। फिर अगला लाइन सम प्लस क्यूब, तो सम में कितना है 0, ऊपर देखो सम में मैंने 0 लिया है, और क्यूब में कितना है 125, तो 0 प्लस 125 कितना हो गया 125, तो सम में क्या आ जाएगा 125, राइट। फिर कंप्यूटर अपडेशन पे जाएगा तो आई अपॉन 10, आई में कितना है 25 ना, तो 25.10, मैथ्स में 2.5 आना चाहिए बट जावा में क्या आएगा 2, तो आई में कितना स्टोर हो गया 2, देन कंडीशन चेक करेगा 2 ग्रेटर देन 0, आई में 2 है, कंडीशन ट्रू, फिर अंदर आया। तो आई मॉड 10, अब आई में 2 है ना, मैंने बताया था ना कि 2 में 10 से मॉड लेंगे, 2 10 से छोटा है तो रिमाइंडर 2 ही हो जाएगा, तो रैम में कितना स्टोर हो जाएगा 2, जो पिछली वैल्यू रिमाइंडर रैम में थी 5 पहुंच जाएगी। फिर दूसरे लाइन में आएगा तो फिर रैम इंटू रैम इंटू रैम, तो रैम में अब 2 है, तो 2 × 2 × 2 कितना हो गया 8, तो क्यूब में कितना आ जाएगा 8, पिछली वैल्यू 125 रिप्लेस हो जाएगी। फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा तो सम प्लस क्यूब, अब याद करो पिछली बार सम में क्या स्टोर हुआ था 125, तो ये वाला जो सम है इसमें 125 है और प्लस क्यूब में 8 है, तो 125 प्लस 8 इस लेफ्ट हैंड साइड वाले सम में क्या स्टोर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले सम में स्टोर हो जाएगा 133। फिर अपडेशन पे जाएगा तो आई अपॉन 10, आई में कितना है हमारा, आई में है हमारा 2, तो 2 अपॉन 10 कितना हो जाएगा 0.2, मैथ्स में होना चाहिए बट जावा में 0 आएगा, तो आई में 0 स्टोर हो गया। फिर कंडीशन चेक करेगा तो 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स, फॉर के बाहर आ गया, राइट। तो देखो जब हम फॉर के बाहर आए तो हमें सारे डिजिट का क्यूब का सम मिल चुका है, अब हमें बस कंपेयर करना है कि अगर ओरिजिनल नंबर के बराबर है तो क्या है वो आर्मस्ट्रांग नंबर। तो फॉर के बाहर हमें किफ लगाएंगे, फॉर के अंदर मत करना है तो बार बार होगा। फिर इफ सम किस में है, सम वेरिएबल में, तो सम इक्वल्स टू अगर किसके बराबर है क्यूब के बराबर, सॉरी ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर किस में है एन में, एन। अब अगर ये ट्रू हो गया तो इफ के अंदर प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, दिस इज आर्मस्ट्रांग नंबर, राइट। और अगर ये फॉल्स हो गया तो एल्स
एल्स में क्या प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, दिस इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, तो 25 के केस में सम कितना आया है, 125 ना, तो जब फॉर के बाहर आएगा इफ में कंडीशन चेक करेगा तो सम में कितना है 133, एंड में कितना है 25, तो कंडीशन क्या हो गया फॉल्स, तो एल्स में जाएगा और एल्स में क्या प्रिंट कर देगा, दिस इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। मान लो यूजर ने 153 एंटर किया होता, तो अब यहां देखो आई में कितना आ जाता, 153, कंडीशन चेक करता, 153 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, अंदर आता तो आई मॉड 10, आई में 153 है तो आई 153 मॉड 10, रैम में कितना आ जाता 3, 153 का लास्ट डिजिट, फिर रैम इंटू रैम इंटू रैम, तो रैम में 3 है, 3 × 3 × 3 27, क्यूब में 27 आ गया, फिर सम प्लस क्यूब, तो सम में 0 है, क्यूब में 27, तो 0 प्लस 27, इस वाले सम में 27 स्टोर हो गया, हर जगह सम की वैल्यू चेंज हो गई। फिर लूप में अपडेशन पे आएगा तो आई अपॉन 10, आई में कितना है, आई में है हमारा 153, तो 153 अपॉन 10, मैथ्स में 15.3 आना चाहिए बट जावा में पॉइंट वाला पार्ट हट जाएगा, सिर्फ 15 आएगा, आई में 15 स्टोर हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक करेगा तो 15 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, फिर अंदर आएगा तो आई मॉड 10, आई में 15 है तो 15 मॉड 10, 15 का लास्ट डिजिट 5, तो रैम में कितना आ गया 5, पुरानी वैल्यू 3 रिप्लेस हो गई। फिर अगले लाइन में आएगा तो रैम इंटू रैम इंटू रैम, रैम में कितना है 5, तो 5 × 5 × 5 125, क्यूब में कितना आ गया 125, पिछली वैल्यू 27 रिप्लेस हो गई। फिर अब यहाँ पे आएगा तो सम में कितना है, याद करो पिछली बार 127 स्टोर हुआ था, तो सम में 27 प्लस क्यूब में कितना है 125, तो 27 प्लस 125 कितना हुआ 152, तो सम में स्टोर हो गया 152। फिर अपडेशन पे जाएगा तो आई अपॉन 10, आई में कितना है 15, तो 15 अपॉन 10, मैथ्स में 1.5 आना चाहिए बट जावा में कितना आएगा 1, तो आई में 1 आ गया। फिर आई ग्रेटर देन 0, तो आई में 1 है, 1 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा तो आई मॉड 10, आई में 1 है ना, तो 1 मॉड 10 कितना होगा, 1 10 से छोटा है, 1 ही रिमाइंडर हो जाएगा, तो रैम में 1 आ गया। फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा तो रैम में अब 1 है, तो 1 × 1 × 1 1, और क्यूब में पुरानी वैल्यू 125 हट जाएगी और क्या स्टोर हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे आएगा तो सम में याद करो पिछली बार कितना स्टोर हुआ था 152, और क्यूब में कितना है 1, तो 152 प्लस 1 कितना हुआ 153, तो सम में क्या आ जाएगा 153। फिर लूप की अपडेशन पे जाएगा क्योंकि जब तक लूप का कंडीशन फॉल्स नहीं होगा बाहर नहीं जाएगा, तो आई में 1 है, 1 upon 10, मैथ्स में 0.1 आना चाहिए बट जावा में 0.1 हट जाएगा, सिर्फ 0 आएगा, तो आई में 1 स्टोर हो गया। कंडीशन चेक करेगा आई ग्रेटर देन 0, यानी 0 ग्रेटर देन 0, आई में 0 है, 0.0 आया ना 1 upon 10, तो 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स, फॉर के बाहर आ जाएगा सीधे। अब इफ चेक करेगा फॉर के आने के बाद, तो सम में कितना है 153, और एन में ओरिजिनल नंबर भी हमने 153 एंटर किया था, इफ का कंडीशन ट्रू, इफ के अंदर जाएगा प्रिंट कर देगा दिस इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एल्स के अंदर नहीं जाएगा। आई होप क्लियर हो गया प्रोग्राम।